हेलो गाइस, तो हम लोग आप पहुंच चुके हैं के साथ बहुत गंदा मजाक हो गया है। हम आए थे आप लोगों को पूरा स्क्रिप्ट याद करके स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू दिखाने के लिए, बट लेकिन बोल रहा है कि इवनिंग में ही वो जगह खुलता है जहाँ पे। Hey, what's up camp? This is Ro here and today we are going to shoot a new vlog. आज के vlog में हम लोग उस जगह पे जाने वाले हैं जो ब्रिटिश के एरा में बना था, और वो सबसे रांची का हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। चलो चलते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग आप पहुंच चुके हैं बड़ा तालाब रांची लेक पहुंच चुके हैं। ये बताते हैं भाई लोग, अभी हम लोग फाइनली रांची लेक पहुंच चुके हैं। 5.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग रांची लेक पहुंच चुके हैं, और क्या बताएं, बहुत ठंडा है और टाइम अभी हो रहा है 6:27। रांची लेक, ये देखो रांची लेक, बस ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो के साथ बहुत गंदा मजाक हो गया है कैम। हम आए थे आप लोगों को पूरा स्क्रिप्ट याद करके स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू दिखाने के लिए, बट लेकिन बोल रहा है कि इवनिंग में ही वो जगह खुलता है जहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट ऑफ द स्टैचू जा सकते हैं, बट लेकिन हे कैम, ये रांची लेक है और इसको बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है, और यही वो जगह है जो ब्रिटिश एरा में बना था। ब्रिटिश है, जिसको ब्रिटिशर्स लोग बनाए थे 1842 में बनाए थे, और इसके नेम दिए थे कॉलोनल ऑन्सले, सिनेमेटिक शॉट रिकॉर्ड करने वाले भैया छोटू भैया, अपने सुपरस्टार छोटू भैया। कौन है? सुपरहिट नंबर वन। सो कैम, अभी हम लोग को वहां पे जाना है उस स्टैचू के पास। चालू कर दीजिए। अरे हो रहा है चालू। कैम, अभी हम लोग आए हुए थे रांची लेक हम लोग सोचे कि ना स्टैचू के पास हम लोग को जाने नहीं मिलेगा, वो स्टैचू दिखाए तो भैया एक बार, वो स्टैचू आगे जाके दिखा देंगे। हाँ, आगे कट करना, आगे एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हम सोचे थे कि हम लोग को जाने नहीं मिलेगा, और चाय वाले भैया जो कहता है दादारी एंड का टाइम में हम दिखाएंगे, वो बोल रहे थे शाम में यहाँ पे एंट्रेंस मिलता है, बट लेकिन ऐसा नहीं है, शाम में एंट्रेंस नहीं मिलता, हमेशा खुला रहता है यहाँ पे, बस गार्ड अंकल को बोलेगा वो खोल देंगे। ठीक है, रील बनाने के लिए आया लड़का, रील एक तो बनाना जरूरी है। ये जो लेक है रांची लेक, इसको सुखना लेक की तरह बनाया जा रहा है, जो चंडीगढ़ में स्थित है एक सुखना लेक, उसी की तरह बनाया जा रहा है, और ये एज अ टूरिस्ट स्पॉट भी है जहाँ पे मतलब बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, एंड इवन साइड कॉर्नर तरफ एक पूरा राउंड सा मॉर्निंग वॉक के लिए रोड भी बना हुआ है, सब लोग यहाँ पे पूरा राउंड लगाते हैं सुबह सुबह, अंकल आंटीज लोग। एंड क्या, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे पीछे जो स्टैचू दिख रहा है वो स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है, जिसको नोएडा से लाया गया था 3 पार्ट में। इस स्टैचू का हाइट है अराउंड 33 फीट हाइट है इस स्टैचू का, और इसका जमीन से मतलब पूरा नीचे पानी के नीचे जो जमीन है वो लेयर से इसका पूरा हाइट 60 फीट है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, वेट 60 फीट है। छोटू भैया देखिए, सो फाइनली कैम, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं विवेकानंद जी के स्टैचू के पास।
और क्या नजारा है, ऑसम नजारा तो एकदम शानदार है। ये लेक का नाम पहले कॉलोनल ऑन्सले था, एंड देन कॉलोनल ऑन्सले इस लेक का नाम था, उसके बाद फिर ये बना बड़ा तालाब। बड़ा तालाब इट मीन्स इंग्लिश में उसको रांची लेक बोला जाता है, और इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि रांची में ऐसा कोई लेक पाया जाता है। जैसे मेरे को यूट्यूब में मैंने सर्च किया एंड मेरे को दिखा, तो मैं सोचा कि चलो एक ब्लॉग यहाँ पे शूट कर ही लेता हूँ, और तुम लोग देख ही सकते हो ये 1842 में बना था, इट मीन्स मेरे दादाजी के पिताजी के टाइम का है। शशि, ये हम लोग के दादाजी के पिताजी के टाइम का है ये जगह जो बना था, पूछ रहा है अंग्रेज का। इस लेक को इसलिए भी बनाया गया था बिकॉज यहाँ का वाटर को मैनेज किया जा सके इस सिटी का, टाउन का। इवनिंग के टाइम में पूरे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ के लोकल्स भी आते हैं, यहाँ टहलते हैं और व्यू का मजा भी लेते हैं, क्योंकि व्यू यहाँ पे पूरा शानदार ही आता है। मैं एक बार इस पूरे स्टैचू का पूरा राउंड ले लेता हूँ, देखता हूँ कैसा व्यू आता है साइड साइड। वो है पहाड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर। रांची में सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला प्लेस वहाँ वो भी है, पहाड़ी मंदिर, देख सकते। मैंने जब रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि इसको मतलब इस जगह को पूरा मतलब रिजॉर्ट बनाने का भी मतलब प्रयास है लोगों का। पार्क भी बन रहे हैं अगल बगल में, बगल तरफ पार्क बनना स्टार्ट हुए हैं, उसका निर्माण चल रहा है। मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो पेड़ है बीचों बीच, ऑसम यार, एपिक। और ये जो जगह है, इस जगह को विजिट करने का कोई पैसा या कुछ चार्जेस नहीं लगता है कैम, और जो भी ले रहा है तो कृपया आप उन्हें पैसा ना दें, बिकॉज वो आपको फूल बना रहे हैं, अप्रैल मंथ वाला फूल नहीं, रियल वाला फूल बना रहे हैं। ओके कैम इधर आइए, दर्शक को बाय नहीं बोलेंगे। लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।